अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन इन एनिमल्स। हमारा प्रीवियस जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो था एक्सप्रेशन इन प्लांट्स। एक्सप्रेशन इन प्लांट्स हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सप्रेशन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। एक्सक्रीशन की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट का या नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स का एलिमिनेट होना एक्सक्रीशन कहलाता है। और ये सबसे एक्सक्रीशन जो है ये करना भी क्यों जरूरी होता है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वी नीड टू एक्सक्रीट नाइट्रोजन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्यों जरूरी होती है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि एक्सक्रीशन क्यों जरूरी होती है और कौन कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिनको बॉडी से मस्ट रिमूव करना होता है। एक्चुअली जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती हैं वो होती हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये एक्चुअली बजाते खुद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। इसके अलावा भी बहुत से नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही होती हैं या टॉक्सिक होते हैं वो ये तीन होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसके बाद यूरिया होता है, यूरिक एसिड उससे कम टॉक्सिक होता है। बट ये है कि अगर ये बॉडी में अकोमोडेट कर जाते हैं, जब बॉडी के अंदर ही रहते हैं, रिमूव नहीं होते, तो हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी कपकपानी स्टार्ट हो जाएगी, कोमा हो सकता है, बंदा बेहोशी की हालत में जा सकता है, जहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है अगर ये रिमूव ना हुए तो इसलिए स्टूडेंट ज़रूरी है कि इस तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाए। नेक्स्ट है ये किस तरह से अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड बनते हैं। एक्चुअली जब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन होते हैं उनको, जिसे हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट का नाम दे रही होती हैं, वो एक्चुअली हमारी डाइट इस टाइप की होती है कि जिसकी जिसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटीरियल बन रही होती हैं। कौन सी ऐसी फूड हम खा रहे होती हैं जिससे ये बन रही होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी जो सबसे ज़्यादा हम डाइट की यूज कर रही होती हैं वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हम गंदम की जो रोटी खाते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लिपिड्स ऑयली चीज़ें घी वगैरह होती हैं वो लिपिड्स में आते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें लाइक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये वाटर और एनर्जी तो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस की फॉर्म में जो होगी ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो मतलब ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अगर नेक्स्ट हम बात करें लिपिड्स की, यानी कि इसके अंदर फैटी एसिड जो होती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके नतीजे में भी क्या होता है, यानी पहले कैटाबॉलिज्म जो होता है उसके नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर एनर्जी, और इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन दोनों में ये एज ए वेस्ट मटीरियल हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट हम एक जो डाइट ले रही होती हैं वो होती है प्रोटीन। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं डाइट वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब जिसमें डीएनए हो या आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन जैसे लाइक हम गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं तो उस तरह की डाइट लेते हैं, उनका भी जब मेटाबॉलिज्म होता है उसके नतीजे में भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता है, मतलब जो उसका प्रोडक्ट बनेगा या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा लाइक वाटर एनर्जी, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, तो उसके नतीजे में जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर भी नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन जो होता है इंसानी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको एलिमिनेट किया जाए। इस तरह लाइक ये हमारे पास है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं जो प्रोटीन को बना रहे होते हैं। अमाइनो एसिड के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप है। ये इनकी जब मेटाबॉलिज्म होगा, जब कैटाबॉलिज्म होगा तो इसके नतीजे में अमोनिया बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल है और नाइट्रोजन जो है, अमोनिया जो है सॉरी, ये ज़्यादा हार्मफुल है। तो एक बात, एक छोटी सी टर्म भी यूज़ हुई है आपके बुक में, डीएमाइनेशन होता है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो जाना जिसके नतीजे में ये अमोनिया बन रहा है, इसको डीएमाइनेशन
रिप्लिकेशन कहते हैं। इसी तरह इसके अलावा डीएनए और आरएनए जो है, डीएनए और आरएनए जिनमें प्यूरीन और पायरामिडीन होती है, फिर उनमें एडेनिन गुआनिन होती है, और आरएनए में अगर देखा जाए तो कट यानी कि साइटोसिन यूरासिल और थायमिन। और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए में प्यूरीन और पायरामिडीन होती है, प्यूरीन से यानी एडेनिन गुआनिन, और इधर आरएनए में साइटोसिन यूरासिल और थायमिन होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें भी देखें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन आ रहा है, और इसी तरह इसके अंदर भी आ रही हैं पायरामिडीन के अंदर भी जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर भी नाइट्रोजन आ रही हैं। जब इनका मेटाबॉलिज्म होगा तो इन दोनों के नतीजे में भी अमोनिया बनेगा। तो जाहिर है कि अमोनिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिक होने की वजह से ज़रूरी है कि इनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। अब कुछ हमारे अंदर जो होंगे या आप ले रहे एनिमल्स के अंदर, जो एनिमल्स के अंदर कुछ नाइट्रोजनस पेयर्स होंगे वो लार्ज क्वांटिटी में होंगे और कुछ होंगे स्मॉल क्वांटिटी में। तो पहले हम देख लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में कौन कौन सी होती हैं। लार्ज क्वांटिटी में होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा टॉक्सिक होगी उसके लिए उतना ही ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से अगर हमने 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करना है तो 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये MCQs के लिए भी आप प्रिपेयर रखिएगा, इसमें इसने से MCQs भी समटाइम पूछ लिए जाते हैं। तो 1 ग्राम अमोनिया या नाइट्रोजन रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है। इसी तरह यूरिया जो है ये अमोनिया से तो लेस टॉक्सिक होता है लेकिन यूरिक एसिड से ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसके 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड है, जबकि यूरिक एसिड में 1 ग्राम यूरिक एसिड का रिमूव करने के लिए 1 ml वाटर रिक्वायर्ड है। इसमें ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है इसका रिमूवल डिपेंड्स करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या कह लें इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस टाइप का है उस टाइप का नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव होगा। लाइक अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, सबसे पहले हम फिश आ जाती है, फिशेज में देखें फिशेज का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है वाटर की कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना, इसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। अब वाटर ज़्यादा है तो जाहिर है कि अमोनिया को रिलीज़ करना इनकी बॉडी से कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास वाटर ज़्यादा है, तो ये अमोनिया को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे या ज़रूरत ही नहीं है, ये अमोनिया को ही अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे अमोनियोटेलिंग, इस तरह के प्रोसेस को बोलेंगे अमोनियोटेलिंग, और इस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो अमोनिया रिलीज़ करता है अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है यूरिया। यूरिया जो है ये किस तरह के इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, ये ट्रेस्टियल जो इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है यूरिया। यूरिया जो है ये ट्रेस्टियल में पाया जाता है, जो ऐसा इन्वायरमेंट है जो ट्रेस्टियल इन्वायरमेंट हो, तो मतलब ये इसके अंदर जो एग्जाम्पल आ जाएगी वो आएगी ट्रेस्टियल मैमल्स की। ट्रेस्टियल मैमल्स ऐसे मैमल्स जो ये यूरिया को रिलीज कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक, और रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक। ये इस तरह इसके एग्जाम्पल भी ह्यूमंस भी आ सकता है, लाइक हम ह्यूमंस है हमारे अंदर भी क्या होता है अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, जबकि जिस तरह फिशेज जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं, कुछ रिवर्स में कुछ मैरीन वाटर में, तो ज़्यादा क्या रिवर्स में जो रह रही होती है उनके पास तो वाटर ज़्यादा होता है। बट अगर हम अपनी बात करें, हम तो टेस्टियल तरह के इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं, तो हमारे पास इतना वाटर नहीं होता कि हम अमोनिया को रिमूव कर सकें। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक साइकिल परफॉर्म होता है, जो साइकिल चलता है जिसे बोलते हैं यूरिया साइकिल। तो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर से यूरिया रिलीज हो जाएगा। तो ये जो यूरिया रिलीज करने का प्रोसेस है क्या कहलाएगा, यूरियोटेलिक, और जो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर रहा होगा उसे कहेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिलीज होता है। अब क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्चुअली बहुत कम जो है इसके लिए वाटर रिक्वायर्ड है, तो ये बर्ड्स में होता है। बर्ड्स जो क्या होती हैं, ये एक्चुअली उड़ रही होती हैं, हवा में उड़ रही होती हैं, तो वहाँ पर तो पानी नहीं होता इतना, छोटे मोटे जो है यूँ समझ लें थोड़े से वाटर वेपर्स होते हैं, तो वहीं से ये गुजारा करेंगे कि इनकी बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स बनेंगे, ये क्रिस्टल्स को रिमूव करेंगे। तो इस तरह इस प्रोसेस को जो कहें रिमूव करने के प्रोसेस को कहेंगे यूरिकोटेलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करने की वजह से इनको बोलेंगे यूरिकोटेलिक, और जो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर रहा है उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म।
तो इन्हें कम वाटर रिक्वायर्ड है, तो कम वाटर में ये यूरिक एसिड रिमूव करेंगे, यानी कि 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करने के लिए 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड है इन्हें। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी कौन से लार्ज क्वांटिटी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमने उसको डिस्कस किया। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास आ जाता है जैंथीन, हाइपोजैंथीन, केराटिनिन। तो ये तो आपको मैं इधर लिख देती हूँ, स्मॉल क्वांटिटी में जो हमें चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो कौन कौन से है स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं जैंथीन, हाइपोजैंथीन, केराटिनिन, केराटिन, इसके अलावा अमाइनो एसिड और एलान्टोइन। एंड ये डिफरेंट हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस्ड है जो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं एनिमल्स में। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं इनको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है, और जो लार्ज क्वांटिटी में है उनको भी रिमूव करना बॉडी से ज़रूरी होता है। तो ये था हमारे पास एक्सक्रीशन इन एनिमल्स।